गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उड़ान से रिलेटेड जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हो, एंड यूजर बेनिफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन के हो, उन सभी से के जो एसोसिएटेड कार्य हैं वो हम सब इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो भी इसमें ट्रेनर्स हैं जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से इस तीनों प्रोसेस को बहुत अच्छी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम URL पे ले जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि sso-rajasthan.gov.in में आपको SSO के माध्यम से लॉगिन करना है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपके पास अपना SSO ID मैप्ड होना चाहिए सिस्टम के साथ, तभी आपको जाके आगे फॉर्म्स प्रॉपरली दिखाई देंगे। तो आप अपने SSO से लॉगिन करेंगे। SSO से लॉगिन करने के लिए आपको अपनी ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, जो भी आपके कैप्चा है वो फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद राज SSO पे आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन में आपको राज सिम्स ऐप पे क्लिक करना है। यदि आपके डैशबोर्ड पे राज सिम्स आपको नहीं दिखाई देती है तो आपको राज सिम्स सर्च करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप राज सिम्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमें जिस भी स्कीम से आप जुड़े हुए हैं वो स्कीम आपको दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे हम महिला अधिकारिता डायरेक्टर ऑफ वुमेन में लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि वो उड़ान की नोडल एजेंसी है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें सिस्टम एक पेज पे ले जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक पैनल है, बीच में डैशबोर्ड है और राइट टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन किए हुए यूजर को अपनी डिटेल्स दिखाई देगी और टॉप राइट कॉर्नर में एक सेटिंग्स का बटन दिखाई देगा जिसपे क्लिक करने पे आपको तीन मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। ये मॉड्यूल्स की जो विजिबिलिटी है वो इस चीज पे भी निर्भर करती है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ यूजर क्रिएट करने का कार्य करते हैं तो आपको केवल एडमिन मॉड्यूल दिखाई देगा। अगर आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड कार्य है तो आपको IM दिखाई देगा, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कार्य है तो आपको SCMS दिखाई देगा, और यदि आप सुपर एडमिन है या सिस्टम एडमिन है तो आपको ये तीनों मॉड्यूल दिखाई देंगे। अब हम जब एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमें लेफ्ट पैनल पे भी कुछ सब मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। तो ये जो सभी मॉड्यूल्स सब मॉड्यूल्स हैं, इन सब मॉड्यूल्स के अंदर क्लिक करने पे आपको फॉर्म्स दिखाई देंगे जो आपको एक जगह पे लेके जाएंगे। अब एक बार मैं आपको ये तीनों मॉड्यूल्स ब्रीफ कर देती हूँ कि तीनों मॉड्यूल्स बेसिकली है क्या। एडमिन मॉड्यूल जो है, एडमिन मॉड्यूल के अंदर हम यूजर क्रिएट करना, उसकी SSO ID मैप करना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी कार्य हम एडमिन मॉड्यूल के अंदर करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है IM मॉड्यूल, जिसका फुल फॉर्म है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल में इन्वेंट्री रिलेटेड सभी कार्य, जैसे कि इन्वेंट्री चढ़ाना, इन्वेंट्री की इनवर्ड्स आउटवर्ड्स को मेंटेन करना, उनके रिकॉर्ड को देखना, वो सभी का इंडेंट इशू वगैरह सारे काम हम IM में करते हैं। उड़ान स्पेसिफिक हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस देखेंगे कि कैसे हमें इन्वेंट्री चढ़ानी है सिस्टम में। उसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल है SCMS, जिसका फुल फॉर्म है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई से रिलेटेड जितने भी कार्य है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर होंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य, पिकअप एंड डिलीवरी का कार्य, एक्सेट्रा। तो उड़ान स्पेसिफिक हमें यहाँ पे सिर्फ बेनिफिशियरी डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे यूजर को यूजर क्रिएशन की प्रोसेस सिखाएंगे कि कैसे सिस्टम को ये मालूम हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतने यूजर्स हैं और रियल वर्ल्ड में जो भी व्यक्ति हैं उनकी SSO IDs उनके साथ मैप्ड हैं। तो जो भी व्यक्ति जब लॉगिन करेंगे तो उनको कौन से फॉर्म दिखाई देंगे और उनके क्या कार्य होंगे, ये सभी चीजें हम मैनेज एडमिन से करते हैं। तो अब हमें यूजर को क्रिएट करना है, यानी कि हमें सिस्टम को बताना है कि यूजर कौन है और उसकी क्या पोस्ट है और उसकी क्या लोकेशन है। तो कॉन्फिगरेशन पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मास्टर पे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन मास्टर पे क्लिक करने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स पे जाएंगे। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन यूजर पे चले गए तो हमें एक प्रॉपर लिस्ट दिखाई दे रही है। उस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी पोस्ट जिस लोकेशन पे और जिस सेक्शन में क्रिएटेड है उन सभी के नाम यहाँ पे आ रहे हैं।
अगर वो लिस्ट लंबी है तो नीचे पेजिनेशन का बटन है, उससे आप आगे जा सकते हैं और आगे की लिस्ट को देख सकते हैं। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्च बॉक्स है जिसपे आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, पेज को रिफ्रेश या रिलोड कर सकते हैं और उस पर फिल्टर लगा सकते हैं। और सबसे राइट में आपके पास नई एंट्री करने के लिए एक बटन है जिसका नाम है ऐड रिकॉर्ड। तो अगर आपको कोई नई एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको ऐड रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने ऐड रिकॉर्ड बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ फील्ड्स अपीयर हो गई। उन फील्ड्स को जब हमने देखा तो उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ फील्ड्स पे एस्ट्रिक रेड है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये सभी फील्ड्स मैंडेटरी और आपको भरनी है। तो इस वाले फॉर्म में आपको सारी ही फील्ड्स को फुलफिल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑफिस टाइप। ऑफिस टाइप का मतलब ये है कि आपको किस प्रकार का ऑफिस क्रिएट करना है। उसके लिए आपको ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम एक ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। अब हमने एक ऑफिस सिलेक्ट कर लिया। ऑफिस टाइप हमने डिविजन सिलेक्ट किया है। अब ऑफिस टाइप सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑफिस लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ऑफिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजमेर, भरतपुर, बीकानेर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के आपको नेम आपको दिखाई देंगे। सिस्टम ऑलरेडी जानता है। तो इसमें से आपको कौन से डिविजन का ऑफिस क्रिएट करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक प्रिसाइज लोकेशन लेनी है। तो कौन सी प्रिसाइज लोकेशन है हम वो ले लेते हैं, जैसे कि हमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट लेनी है। उसके बाद हम सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, हमें एडमिन सेक्शन में बनाना है। और नंबर ऑफ पोस्ट हो सकता है कि, और पोस्ट नेम हो सकता है डीओ बनाना हो, बीओ बनाना हो। तो सपोज अगर हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट बनानी है तो हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेंगे। अब कितनी पोस्ट है एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में, कितने डीओ की पोजीशन है, तो वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। सपोज हमें एक बनानी है तो हम एक पे लेंगे और हम उसे सेव कर देंगे। अब जैसे कि आपने यहाँ लिस्ट व्यू में देखा कि जो पोस्ट हमने रिसेंटली क्रिएट की वो हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। तो इस पे हम देख सकते हैं कि अब सिस्टम ये तो जानता है कि पोस्ट क्या है और किस लोकेशन पे और किस सेक्शन पे है, लेकिन एक्चुअल में उस पोस्ट पे कौन व्यक्ति है ये सिस्टम नहीं जानता है। तो ये सिस्टम को बताने के लिए हम सेटिंग्स बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेटिंग्स बटन पे क्लिक करेंगे, हम यूजर सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा यूजर टाइप सिलेक्ट करना है। सपोज हमें सुपरवाइजर बनाना है या हमें नोडल अधिकारी बनाना है, तो हम नोडल ऑफिसर यूजर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे और उसी के साथ हम SSO मैप करेंगे। तो हम SSO मैप करेंगे, SSO की एंट्री डिटेल करके हमें सर्च करना है। हम जैसे ही सर्च करेंगे सिस्टम आपको नीचे दिखाएगा कि कौन सी SSO ID पे कौन सा यूजर नेम है, कौन सी ईमेल ID और कौन सा मोबाइल नंबर है। यानी कि सिस्टम को उस SSO ID से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी डिटेल्स वो फेच करके आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। आप उसको टैली करके कंफर्म करके सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि DO की पोजीशन अजमेर में कौन सा व्यक्ति मैप्ड है उसकी SSO ID आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो अब इस पूरी प्रोसेस में हमने सीखा कि यूजर कैसे क्रिएट करना है और यूजर क्रिएट होने के बाद हमको SSO कैसे उसको मैप करना है। यदि भविष्य में ये पर्टिकुलर व्यक्ति रिटायर, रिजाइन या फिर ट्रांसफर के कारण इस पोजीशन से हट जाता है और हमें किसी नए व्यक्ति को ऐड करना है, तो हमें दोबारा से सिस्टम पे जाना है, सेटिंग्स बटन पे। सेटिंग्स बटन पे क्लिक करके हमको यहाँ पे नया व्यक्ति ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उस बटन पे क्लिक करने के बाद हमको उस पर्टिकुलर SSO ID पे और पोजीशन पे कौन व्यक्ति एडेड है वो हम लिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। अब यदि हमें किसी को चेंज करना है तो हम यूजर मैनेजमेंट पे जाएंगे। यूजर मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन के नीचे सिस्टम देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस पे हम यूजर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यूजर लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो सभी यूजर्स की डिटेल्स आ जाएंगी जो ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर बनाए गए हैं। तो हमारी जो एंट्री हम देख सकते हैं कि 20वें नंबर पे है,
और इसको हमें सपोज चेंज करना है तो हम वापस से सेटिंग्स बटन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स बटन पे क्लिक करने के बाद इज एक्टिव पे अगर वो व्यक्ति एक्टिव है तो यस कर देंगे, अगर एक्टिव नहीं है तो नो कर देंगे। और उसके बाद हमें कोई नया व्यक्ति उसमें मैप करना है तो हम उनकी SSO ID डालेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। उनकी भी डिटेल सिस्टम हमें दिखा देगा और हमें मैपिंग हिस्ट्री भी दिखा देगा कि पहले कौन व्यक्ति इस पे एडिट था और इफेक्टिव डेट के साथ, और टाइम स्टैम्प भी दिखाई देगा। उसके बाद हम उसे सेव कर देंगे। तो अब सिस्टम ये बात जान गया है कि ये व्यक्ति पहले थे लेकिन अब एक नए व्यक्ति ऐड हो चुके हैं, तो उनकी हमें लिस्ट आ जाएगी। तो अब ये मैपिंग हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि दो व्यक्ति अभी तक इस पोजीशन पे रह चुके हैं इस समय से लेकर इस समय तक। तो ये था हमारा यूजर क्रिएशन की प्रक्रिया जो हमने एडमिन मॉड्यूल से सीखी। अब हमारा अगला कार्य है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें IAM मॉड्यूल में जाना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि IAM का फुल फॉर्म है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और IAM मॉड्यूल में हम इन्वेंट्री रिलेटेड सभी कार्य करते हैं, यानी कि इन्वेंट्री कितनी है, क्या है, ये सारे कार्य हम इन्वेंट्री डिक्लेरेशन वाले फॉर्म में जाके करेंगे। हम सब मॉड्यूल इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें दो चीजें दिखाई देगी, एड ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस लिस्ट। अब हमें नया ओपनिंग बैलेंस में नई एंट्रीज चढ़ानी है, उसके लिए हम ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे। जब हम ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल सिस्टम के पास ऑलरेडी है हमारे लॉगिन के थ्रू, जो डिटेल सिस्टम को ऑलरेडी पता है, जैसे कि ऑफिस टाइप क्या है, ऑफिस लोकेशन क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन विजिबल करवा देगा। लेकिन उसके अलावा जो फील्ड, जो चीजें सिस्टम को नहीं मालूम है और आपको एंटर करनी है, वो फील्ड्स आपको भरनी है। जैसे कि हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट एक एस्ट्रिक साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये फील्ड आपकी मैंडेटरी है और आपको ये भरनी है। जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ आएगा एंटर मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, यानी कि आप प्रोडक्ट के फर्स्ट 3 लेटर्स टाइप करेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल सकती है। सपोज जैसे मुझे सैनिटरी नैपकिन डालना है, जैसे ही मैंने ऐसे एंड डाला वैसे सिस्टम को नीचे सिस्टम ने मुझे दिखा दिया, मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद जैसे कि हम उड़ान में जानते हैं एक पैकेट में 6 पीसेस होते हैं, तो इसलिए हमने पैकिंग क्वांटिटी यहाँ पे 1:6 पर पैक लगाया हुआ है। उसके बाद आपको बैच नंबर भरना है, तो बैच नंबर आप भरेंगे, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मल्टीपल बैचेस हो, तो हमने बैच नंबर डाल दिया। बैच नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस की डेट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच की है कि इस डेट को ये सिस्टम में चढ़ाया जा रहा है, ये करंट डेट है। हो सकता है आपको प्रीवियस कोई और डेट डालनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट डालनी है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट करने के बाद आपको इसमें क्वांटिटी डालनी है। सपोज मैंने 1000 पैकेट्स रिसीव किए हैं तो मैं 1000 पैकेट्स इसमें अपलोड करूंगी, और 1000 पैकेट्स डालने के बाद मैं इस क्वांटिटी को सेव कर दूंगी और एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। उस पॉपअप विंडो में मेरे पास दो बटन है, ओके और कैंसिल, तो मुझे प्रोसीड करना है तो मैंने ओके पे क्लिक किया और लिस्ट व्यू पे मैं वापस आ गई। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी मुझे थोड़ी, हो सकता है डाउटफुल लग रही है कि नहीं 6000 या 1000 पैकेट्स नहीं है, तो मैं क्योंकि ये ड्राफ्ट स्टेज में है तो मैं दोबारा जाके इसको चेंज कर सकती हूँ टैली करके, वेरीफाई करके, और यदि मेरी एंट्री सही है तो मैं अपडेट करने की बजाय इसको डायरेक्टली अप्रूव करूँगी। सपोज मेरे पास 500 क्वांटिटी थी तो मैंने इसे अपडेट कर दिया, वापस से पॉपअप विंडो ओपन हो गई, इसको ओके किया, ये वापस से ड्राफ्ट में आ गया, ओपनिंग बैलेंस मेरी मैच हो गई। अब मैंने इसको जाके अप्रूव कर दिया कि हाँ मैं कंफर्म करती हूँ कि यही मेरी डेट है, इसमें आप रिमार्क डाल सकते हैं हाँ ओके। अप्रूव करने के बाद अब ये लिस्ट व्यू में मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि अप्रूव क्वांटिटी, सिस्टम को अब ये पता है
कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इतने प्रोडक्ट्स जो है चढ़ाए गए, और ये सिस्टम अब आपको आगे जब भी आप कोई प्रोसेस करेंगे वहां पे आपको क्वांटिटी शो करेगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस का पर्पस क्या है, और उड़ान के अंदर सैनिटरी नैपकिन्स के काउंट को हम कैसे अपडेट करेंगे। अगर जो क्रिएटेड एंट्री है वो हमें देखनी हो सकता है अलग अलग बैचेस की हो, अलग अलग समय पे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया गया हो, तो वो हमें ओपनिंग बैलेंस लिस्ट में दिखाई दी। ओपनिंग बैलेंस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें वो सारी की सारी एंट्रीज दिखाई देंगी जो हमने पास्ट में क्रिएट की है। तो यहाँ पे ऑफिस टाइप, ऑफिस लोकेशन, प्रोडक्ट ग्रुप एक्सेट्रा जो कॉलम्स है इसमें हमें अब सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। अब हमारा अगला प्रोसेस है, यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस खत्म होता है और हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अब ये जो सिस्टम के पास जो इन्वेंट्री है इस इन्वेंट्री को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके लिए हम करेंगे एंड बेनिफिशियरी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में हम जैसे कि जानते हैं कि इसका बेसिकली कार्य सप्लाई से रिलेटेड है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि SCMS पे क्लिक करने के बाद हम कुछ एक सब मॉड्यूल दिखाई देगा जिसका नाम है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें दो फॉर्म्स दिखाई देंगे, एड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। एड डिस्ट्रीब्यूशन में हमें नया डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर हमें ऑलरेडी क्रिएटेड एंट्रीज दिखाई देंगी। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली हमारा टास्क है जनाधार नंबर डालना। यदि कोई बालिका या कोई भी महिला आएगी और वो आपसे सैनिटरी नैपकिन जो है वो रिसीव करना चाहती है, तो उसके लिए वो आपसे एक अपना जनाधार नंबर आपको बताएगी। जनाधार नंबर बेसिकली सिस्टम से इंटीग्रेट इसलिए किया गया है ताकि हम सही कैंडिडेट या सही बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम यहाँ पे लड़की का या महिला का जनाधार नंबर लेंगे, उसको हम सिस्टम में डालेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सर्च बटन पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है सिस्टम हमें दिखा देगा, नाम, जनाधार नंबर, मोबाइल, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। अब इसमें दो चीजें हैं कि सिस्टम ये जानता है कि ये महिला है और उसका एज ग्रुप क्या है, तो सिस्टम उन्हीं महिलाओं को इसमें से आपको शो करेगा, उन्हीं लड़कियों को जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में फिट बैठती है। तो इसलिए जैसे कि इस पर्टिकुलर जनाधार पे दो फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उड़ान स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे दो लोगों की आपको दिखाई दे रही। अब वो सिस्टम कंफर्म करेगा उस लड़की से या महिला से कि इनमें से आपका नाम कौन सा है, तो वो आपको बताएगी कि मेरा XYZ नेम है और उसके बाद कौन कौन से मंथ के लिए हमें उसे वो पर्टिकुलर पैकेट्स देने हैं। तो हम उस बेनिफिशियरी के अगेंस्ट टिक करेंगे और उसके बाद हम मंथ सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें 3 महीने का देना है तो जो भी मंथ है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्रीवियस कोई बकाया मंथ है तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें 2 मंथ का देना था, हमने सिलेक्ट किया। हम बैच नंबर सिलेक्ट करेंगे, अवेलेबल क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। अवेलेबल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, यहाँ पे ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस से शो हो रहा है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इतनी अवेलेबल क्वांटिटी है। और इशूड क्वांटिटी, क्योंकि सिस्टम को जानता है कि एक मंथ में 2 पैकेट मिलते हैं, मतलब 2 मंथ में 4 पैकेट, तो वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि इनको 4 पैकेट देने हैं। आप उस पे सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। उस पॉपअप विंडो में उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे और उनसे रिलेटेड उनके नंबर्स हो जाएंगे। अब आपको उसमें से कौन से व्यक्ति के मोबाइल पे ये डेटा भेजना है या OTP भेजना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। सेंड OTP बटन पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही सिलेक्टेड व्यक्ति के घर पे उस मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। OTP OTP भरने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए बटन होगा, आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये सही व्यक्ति है और सही OTP है। जैसे ही हमने वेरीफाई किया वैसे ही मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसका मतलब कि हमने सही व्यक्ति को ये पैकेट्स पकड़ाए। उसके बाद आप इस पे सेटिंग्स बटन पे जाके देख सकते हैं कि हमने 2 पैकेट्स कौन कौन से मंथ के लिए उनको प्रोवाइड किए हैं, कितनी अवेलेबल क्वांटिटी और कितने अगेंस्ट उसके हमने उनको प्रोवाइड किए। नीचे आपको वर्कफ्लो हिस्ट्री दिखेगी कि जिस भी यूजर ने आपको प्रोवाइड किया है वो सारी डिटेल्स आपको उसमें दिखाई देगी।
अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उस बेनिफिशियरी की डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में बढ़ती जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में जाके हम जैसे कि देख सकते हैं कि हमने कौन से कस्टमर को और कौन सी डेट पे हमने कितने नंबर ऑफ पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि ये यूजर के लिए काफी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी कि हम अभी तक के जितने भी पैकेट्स है वो रिसीव हो चुके हैं और अभी के कितने बकाया है। तो इसी के साथ हमने उड़ान स्कीम के अंदर कैसे हमें राजसिम सॉफ्टवेयर को चलाना है ये हमने सीखा, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है जो उड़ान स्कीम के अंदर यूजर को करने हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।